वेलकम फ्रेंड्स, आई एम हरप्रीत सिंह। जैसे ही न्यूज आई तो गूगल पे, यूट्यूब पे शोर मच गया कि यार कोविड-19 की मेडिसिन, कोविड-19 की ड्रग जो है वो मार्केट में आने वाली है अभी जो नेक्स्ट जुलाई है। तो मैं ये बात आज आपके सामने सारे कच्चे चिट्ठे खोलने वाला हूँ कि ये ड्रग जो है वो क्या है, वो कोविड-19 की एक्चुअली मेडिसिन है या नहीं है, वो काम करेगी भी या नहीं करेगी। जो जितना भी इसके रिगार्डिंग मटेरियल है, मैंने न्यूज़ आते ही इसको एनालाइज करना शुरू किया और जो रिजल्ट्स मुझे मिले वो बहुत ही शॉकिंग थे और वही मैं आज आपके सामने डिस्कस करने आया हूँ। और मैं शुरू करूँगा शुरुआत से, जैसे कि हमारी DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ये अप्रूव कर दिया है कि इंडिया में फेविपिराविर नाम का मॉलिक्यूल लॉन्च किया जाएगा एक बड़ी ही नामी गिरामी कंपनी के थ्रू, दैट इज़ ग्लेनमार्क। बहुत ही फेमस कंपनी है। अब यहाँ पे ग्लेनमार्क का नाम कहाँ से आया, क्योंकि हम ऑलरेडी सुन रहे थे कि ताइवान काम कर रहा है वैक्सीन पे, ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा है, अमेरिका काम कर रहा है वैक्सीन पे। अब ये वैक्सीन की कहानी कहाँ गई, अब ये कॉन्स्पिरेसी वैक्सीन से हटकर एक एंटीवायरल ड्रग पे कैसे शिफ्ट होगी, वो मैं भी आपके साथ सारा कुछ डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो नाम, जो ब्रांड नेम जो यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा ग्लेनमार्क की तरफ से, वो है फैबी फ्लू। आप नाम को एक बार ध्यान से सुनिए, फैबी फ्लू। यहाँ पे कंपनी ने इंडिकेट किया गया है फ्लू। फ्लू इज ऑलवेज इंडिकेटेड टू एनी इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यहीं से ही प्रूव नहीं करना चाहता कि फ्लू लिखा हुआ है नाम से, तो ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है जिसे हम कोविड-19 और कोरोना वायरस डिजीज कहते हैं। हालांकि बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमेशा से कहा है, जैसे कि एग्जांपल है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, डॉक्टर शिवा अय्यादुराई, उन्होंने भी हमेशा से कहा है कि ये एक ऐसी डिजीज़ नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, जो कि डर का माहौल बना हुआ था। ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि वैसे ही काम करता है जैसे बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस काम करते हैं। मैं सिर्फ इसके नाम फैबी फ्लू से ये प्रूव नहीं करूंगा, मैं कुछ और भी प्रूव्स आपको देने वाला हूं जो आगे चल के जो आपको ये बताएंगे कि कोरोना वायरस कोविड-19 एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है। हाँ, तो इसका प्रूव मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ हम चलते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो कि पबकेम की एक जानी मानी साइट है, अमेरिकन साइट है, जिसके रिजल्ट्स को, जिसकी पब्लिकेशन को हम झुटला नहीं सकते, बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकते। ये मॉलिक्यूल आपके सामने है फेविपिराविर, जो कि यहाँ पे इसका एक पब कैम कोड भी दिया होता है और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो ये मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि पिछले पाँच महीने से ये सारा डर का माहौल चल रहा है कोविड-19 का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो नया मॉलिक्यूल आपके सामने एज अ ड्रग पेश किया जा रहा है वो एक नई मेडिसिन इजाद की है, नई फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 2005 में ऑलरेडी बन चुका था, मतलब आज से 15 साल पुराना मॉलिक्यूल है जो एक नए पैकेट में डाल के आपको दोबारा से पेश किया जा रहा है। और जो इसका बेसिक काम है वो क्या है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो क्या है कि फ्लेविपिराविर इज ए पायराजिन कार्बोक्सीअमाइड डेरिवेटिव विद एक्टिविटी अगेंस्ट आरएनए वायरसेस। फ्लेविपिराविर इज कन्वर्टेड टू द राइबोफेरेनोसिल ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव बाय द होस्ट एंजाइम्स एंड सेलेक्टिवली इनहिबिट्स द इन्फ्लुएंजा वायरल आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये चीज़ आपको एक जेनेटिसिस्ट या इससे रिलेटेड इंसान ही समझा पाएगा कि ये एक्चुअल में ये मेडिसिन काम कैसे कर रही है। ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर इन्फ्लुएंजा वायरसेस, आपके सामने दिया हुआ है, ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का। बेसिकली मैं आपको सीधी लैंग्वेज में ये बताऊँ, ये एक ऐसे मॉलिक्यूल पे काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के अगेंस्ट काम करेगा, जो कि वायरसेस को रेप्लिकेट करने में काम करता है, उसमें हेल्प करता है उनकी। अब जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ प्रॉपर काम नहीं करेगा तो वायरस एक्चुअली किसी भी पेशेंट की बॉडी में रेप्लिकेट कर ही नहीं पाएगा। सिमिलर मैकेनिज्म पे बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो काम करती हैं, जैसे कि रेमडेसिविर,
हमने बहुत फेमस एक मॉलिक्यूल सुना है, वो भी बहुत सारी इन्फ्लुएंजा वायरसेस के अगेंस्ट यूज़ होता है, बहुत सारी एंटी एचआईवी जो ड्रग्स हैं, वायरल ड्रग्स हैं वो यूज़ होती हैं, वो भी सिमिलर मैकेनिज्म पे ही काम करती हैं। और लेकिन आज तक हमें ये पता है कि एचआईवी की जितनी भी एंटी वायरल ड्रग्स हैं उनका रिजल्ट कैसा है और उनकी एक्यूरेसी कितनी है और वो कितनी सक्सेसफुल है पेशेंट को रिकवर करने में। तो सिमिलर मोड ऑफ एक्शन पे ये भी मॉलिक्यूल काम करने वाला है जैसे कि पुराने मॉलिक्यूल काम करते थे। अब मेरा यहाँ पे ये मानना है कि अब जब हम शुरुआत से ही बहुत सारे रिसर्चर्स ये कह रहे थे कि आरएनए वायरसेस के अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन नहीं बन सकती, यह सबको पता है, WHO और बाकी जितनी भी मेडिकल लॉबी है उनको भी पता है कि आरएनए वायरसेस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो नहीं बन सकती, लेकिन इतनी दिन इतने महीनों तक सबको बेवकूफ़ बना के इन्होंने रखा, लेकिन वो वैक्सीन बनाने का खतरा यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि बहुत से डॉक्टर इस दुनिया पे अभी भी हैं जिनका ज़मीर ज़िंदा है और वो जानते हैं कि आरएनए वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बन सकती। तो इस कंडीशन में जितनी भी कम्युनिटी है, जितनी भी मेडिकल लॉबी है, वो इन लोगों से, इन ज़मीर वाले डॉक्टर्स से जूते नहीं खाना चाहेंगे एक वैक्सीन को बनाकर। तो अब उन्होंने जो डर का माहौल है वो शिफ्ट कर दिया है वैक्सीन से हटाकर एक एंटीवायरल ड्रग पे। और ये एंटीवायरल ड्रग कितना काम करेगी ये मैं आपको बता दूं कि उतना ही काम करेगी जितनी एंटी एचआईवी वायरल ड्रग्स, जो एंटीवायरल एचआईवी ड्रग्स जो हैं काम करती हैं, उतना ही ये काम करेंगी। और ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए कि ये जो मॉलिक्यूल है ऑलरेडी यूज़ हो चुका है इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी पे, इसके अलावा एवियन इन्फ्लुएंजा पे भी यूज़ हुआ है, इबोला वायरस पे, लैसा वायरस पे, और अब ये COVID-19 पे ये यूज़ करने वाले हैं। तो इन दिस वे वी आर अगेन बिकमिंग एक्चुअल ह्यूमन गिनी पिग्स, जो कि डॉक्टर विश्वरूप, डॉक्टर शिवा पहले से ही कहते आ रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली अब इंडिया में ही ये मॉलिक्यूल क्यों लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया में, चाइना में, जापान में इसके ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी इसका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला कि ये एज अ ड्रग ये मार्केट में अवेलेबल होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे ये सोचने वाली है कि जो भी पेशेंट इसको यूज़ करेगा उसका कॉन्सेंट लिया जाएगा, उससे साइन लिए जाएंगे कि ये मेडिसिन उस पर यूज़ हो रही है, मतलब लीगली भी वो यहाँ पे अपने जो स्किन है उसको सेव करेंगे और ट्रायल्स भी साथ के साथ करते रहेंगे। और प्राइस इस मेडिसिन का मैं आपको बता दूं तो इसकी जो पर टैबलेट कॉस्ट है वो 103 रुपीज़ पर टैबलेट कॉस्ट करेगी, और इसका जो पूरा एक बॉक्स होगा वो होगा 34 टैबलेट्स का बॉक्स, जिसकी कॉस्ट होगी 3500। पहले दिन पेशेंट को लेनी होगी 9 गोलियां, 200 मिलीग्राम की एक गोली है और 1800 मिलीग्राम की पर डे डोज है। पहले दिन 1800 मिलीग्राम यानी कि 9 गोलियां आपको खानी होंगी, उसके बाद आपको 14 दिन के लिए 4 गोलियां खानी होंगी, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट टोटल बन जाती है लगभग 7000, मतलब आपको 7000 पर पेशेंट मेडिसिन परचेज करनी ही होगी, और ये खर्चा जो है एक वैक्सीन के इंजेक्शन से कई गुना ज़्यादा है। और अब ये जो व्यापार होगा ये मिलियन और ट्रिलियंस का होगा। तो एट लास्ट फ्रेंड्स, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि ये आप मेडिसिन यूज़ कीजिए या नहीं कीजिए, ये अपनी अपनी सोच की एक समझ है, हमारा काम है आपको समझाना, आपको रियल फैक्ट बताना, और अपने बारे में हमें सब पता है और पता होना भी चाहिए, और इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या चीज़ हमारे लिए डेंजरस है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।